हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रॉड। ओके, अब हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू रॉड पढ़ा है, इसका लिंक में वीडियो आया हुआ है। ओके, वो वीडियो आपने देख लेना है, वो वीडियो काम में आएगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि एक रॉड है जिसका मास कितना है कैपिटल एम और जिसका लेंथ कितना है आर। रॉड के एक एंड से स्मॉल लेंथ है कैपिटल एल, एक r डिस्टेंस पे रॉड के एक एंड से r डिस्टेंस पे पॉइंट p पे हम लोगों को ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, यहां पे एक m नॉट मास का एक रॉड पॉइंट कंसीडर करेंगे, मास कंसीडर करेंगे। अब हम लोग ऑलरेडी फोर्स देख चुके हैं इन दोनों के बीच में, रॉड और इस मास के बीच में फोर्स कितना रहेगा, g इनटू प्रोडक्ट ऑफ द मास अपॉन रॉड का लेंथ ब्रैकेट में 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर प्लस एल। ठीक है, इसको अगर सॉल्व कर लिया हम लोगों ने तो फोर्स कितना हो गया फिर, जी कैपिटल एम एम नॉट अपॉन एल आर प्लस एल माइनस आर आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। आर आर कैंसिल हो गया और ये एल बचा, ये एल बचा, ये एल यहां से कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली कितना बचेगा, जी एम एम नॉट R ब्रैकेट में R प्लस L, इतना फोर्स लग रहा है। अब इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितने रहेगा, फोर्स अपॉन टेस्ट मास, टेस्ट मास का मास m0 है, फोर्स कितना है, G कैपिटल M m0 R R प्लस L अपॉन m0, m0 कैंसिल, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना बन गया, G कैपिटल M R ब्रैकेट में R प्लस L। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपने नोट डाउन करके रख लेना। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ रॉड।